तरजें आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जिस पर आप आरती गा सकते हैं, नौटंकी वाली ट्यून है जिस पर आरती भी गा सकते हैं और उसके बावजूद वो ट्यूने भी गा सकते हैं, उस पर भजन भी गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी दो तरजें आपको हम कंप्लीट देने वाले हैं। तो वीडियो को पहले कर दीजिए लाइक, और वीडियो भैया आप लोग पूरा नहीं देखते इसलिए आनंद नहीं आता है, क्योंकि तीन चार दिन से हमने एक टॉपिक चुना है कि हम आप लोग जो लोग क्लासिकल सीख रहे हैं उनको कुछ नई चीज देने जा रहे हैं हम, कि हाँ ये भी चीज आप लोग सीखिएगा चौथी काली से, कहीं आप गांव या देहात में फंस जाएंगे तो आप वहां पर इसे इसका उपयोग करके वहां पर भी आप गा सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं वहां पर। तो किस तरीके से प्ले होगा, क्या है, कैसा है, क्या क्यों है, तो ये सब जो है इस वीडियो में कंप्लीटली नोटेशन स्क्रीन पर आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि काफी कमेंट आए हैं और फोन भी हमारे पास में आए हैं कि आप गुरुजी जो है स्क्रीन पर नोटेशन डाल दिया करिए, जिससे हमें सीखने में बहुत आसानी होती है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारी सबसे पहली है, अरे रे पानी में लहरा ले राजा बेल सिंगाड़े की, ठीक है। ये देहात में नौटंकी वगैरह में ये गाना चलता है, इस पर भजन भी बहुत सारे हैं, जैसे इसमें हमारा कोमलनी यूज है, ठीक है, सिर्फ कोमलनी। अब देखिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात को थोड़ा सुन लीजिएगा, अगर आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, बहुत अच्छा संगीत आप किसी सार्क से देहाती सीखे चाहे कुछ भी सीखे, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, इस पर रिहाज कर लिया, तो आप बहुत जल्दी आपका गला लपालप हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छी कोयल जैसी आवाज़ हो जाएगी अगर इस पर रिहाज कर लिया तो। इसमें हर प्रकार के लेसन आपको मिल जाते हैं, जैसे राग सीखना चाहें, भजन सीखना चाहें, जो भी सीखना चाहते हैं इसमें हर प्रकार के लेसन उपलब्ध हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड उपयोग करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। आइए अब आगे अपना वीडियो शुरू करें। ये है, ठीक है। तो इसे हम कंप्लीट, इस पर आरती देखिए, उठाने में जग मगी हुई आरती कृष्ण कन्हैया की, और भजन देखें, ओ मंदिर में जग मगी हुई चुनरिया शेरा बाली की। आप बहुत चीजें इस पर गा सकते हैं, आपको भी बहुत सारे भजन अगर इस तरह इस पर मालूम है तो गा सकते हैं, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, बना लीजिए, YouTube पर सर्च कर लीजिए, अंतरा मुखड़ा दोनों चीजें आपको हम बताते हैं, जिससे आपको सीखने में काफी आनंद आएगा। और पूरा वीडियो में बहुत कुछ हम लोगों को नॉलेज मिलने वाली है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आप, अरे अरे, मैं मध्यम आवाज में बता रहा हूँ लेकिन आपको अपना फुल स्पीड में गाना है, जिससे आप गला आपका खुल सके बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए, अरे रे पानी में, अरे रे पा, हमारा अरे रे पा, चार बार हमारी अरे रे पा, चार बार, पचहत्तरवीं बार में हमको इधर आना है, ठीक है, यानी पा 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 मा, ठीक है। अरे रे पा नी में, वन 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 टू थ्री फोर, अरे रे पा नी में, वापस में एक बार, ठीक है, पा 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 मा पा धा, ठीक है, शुद्ध धा यहाँ पर, अरे रे पा नी में, एक दो तीन चार, सिर्फ चार बटने यूज करना है हमको, ठीक है। उंगली हमारी कैसे रहेगी, ये वाली उंगली हमारी यहाँ पर रहेगी, बीच वाली, ठीक है, अरे रे पा नी में, ये उंगली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं तीनों उंगलियों से हमें प्ले करना है यहाँ पर, अरे रे पा नी में। ऊँटा चाहे नीचे कर सकते हो आप, चाहे उंगली कर सकते हो, चाहे ऊँटा नीचे ला सकते हो, अक्सर ऊँटा जो है नीचे ही रहता है अगर यहाँ से अजीब सार से आप प्ले कर रहे हैं तो। देखिए एक बार और देखिए सिंगल उंगली से, अरे रे पा नी में लहरा फिर धा पा मा, अरे रे पा नी में लहरा ले ही के, रुकाव हमारा, ठहराव हमारा शुद्ध गा पर है, ठीक है, अरे रे पा नी में लहरा ले ही के राजा, रुकाव ध्यान रखना शुद्ध गा पर है, ठीक है, कितनी देर रुकना है ये समझ लीजिए, अरे रे पा नी में लहरा ले ही के राजा बेल
सिंगारे की, ऊपर ऊपर चले जाना है। पहले इधर से आएंगे तो कोमल गा पर, शुद्ध गा पर हमारा ठहरा हुआ है, और इधर से ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा माँ पर ठहरा हुआ है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा हमारे। देखिए, अरे रे पानी में लहरा ले ही के राजा, गार गा 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 रे सा, सारे मामा माँ पानी धापा। ठीक है, माँ पर हमें ठहराव है, दोनों जगह पर ठहराव, ये कम्प्लीटली समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अरे आंत्रा आती है। ठीक है, मुखड़ा तो कंप्लीट हो गया। अगर इस सार्क से आप बजा रहे हैं, आपके पास खर्च की हारमोनियम है, तो यहां से भी देख लीजिए, वही नोट्स लगेंगे। अब इसकी आंत्रा हम प्ले करते हैं, वही नोट्स स्क्रीन पर जो आपको नोटेशन दिख रहा है, वही नोटेशन इसे किसी भी स्वर पर यूज करके गाना निकाल सकते हो। ठीक है, वही स्वर, अगर आपको सुर का ज्ञान है हर बटन का, 12 स्केलों का, तो आप कहीं से भी प्ले कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं आंत्रा की, तो देखिए आंत्रा, आंत्रा बहुत सिंपल है, तीन ही बटनों पर। आरती कृष्ण कन्हैया की, ये चीज, सॉरी, आरती कृष्ण कन्हैया की, ये चीज, आरती कृष्ण कन्हैया की, अरे रे थाली में जगमग होए आरती से रावण की। कुछ भी, किसी भी देवता का नाम लेकर आप आरती प्ले कर सकते हैं इस पर। अब देखते हैं अंतरा को, पुनः समझते हैं बारीकी से। आरती कृष्ण कन्हैया की, अर्थात इसका अगर हम नोटेशन देखें, और हो राजा बेल सिंगाड़े की, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ध्यान से देखिएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हो राजा बेल सिंगाड़े की, इधर से हम, इधर से सीधा हमें दा से पा धा, हो राजा बेल सिंगाड़े की, नोटेशन इसका पा धा सा नी, कोमल पा धा सा नी धा मा धा पा, ये नोटेशन है, आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार और समझा रहे हैं हम, पा धा सा नी कोमल धा मा, फिर हमारा धा, फिर पा, क्लियर हो गया ना, क्लियर जरूर हो गया होगा। तो हमारा कितना बजेगा इस पर, हो राजा बेल सिंगाड़े की, ओ राजा बेल सिंगाड़े की, चुनरिया सेरा बाली की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती गंगा मैया की। कुछ भी, आप किसी भी देवी देवता का नाम लेकर आरती गा सकते हैं इसे। ठीक है, बात करते हैं, हमने दूसरी एक तर्ज आप लोगों को और बताई थी कि हाँ दो हम आरती आपको बताएंगे, तो देखिए एक और हमारी है, इस पर गा सकते हैं, बलम पंजाब चली जाऊंगी लौट के फिर ना आऊंगी। देखो, इस पर कैसे निकालेंगे हम, कैसे गाएंगे, देखिए, आरती कुंज बिहारी की, या बलम पंजाब चली जाऊंगी
लौट के फिर नहीं आऊंगी, ऐसे चली जाऊंगी मैं, ऐसे चली जा सॉरी ऐसे चली जाऊंगी मैं, ऐसे चली जाऊंगी। जब मुखड़ा गाएंगे आरती का तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। गले में बैजंती माला, मतलब आरती वाला मुखड़ा ही हमको यहाँ पर लेना है, अंतरा लेनी है और उसी की उठान करनी है। लेकिन जब हम बैक लौटेंगे तो जो है हमें यही तर्ज लेनी है, ठीक है। और जो है उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एक तर्ज तो कम्प्लीट हो गई है, नहीं हुई है तो ये लास्ट वाली, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा तो ये कन्फ्यूजन दूसरे वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। बहुत बहुत